भारत में महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत से कानून हैं, जिसमें से धारा 498A, जिसे हम दहेज प्रताड़ना के नाम से भी जानते हैं, यह धारा महिलाओं की रक्षा के लिए 1983 में आईपीसी में जोड़ी गई तथा इसी तरह स्पीडी ट्रायल के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 7634 दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट में यह भी नोटिस किया गया कि हर दिन 21 महिलाएं डोरी दहेज का शिकार हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज उत्पीड़न के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो वह दोषी को कैसे सजा दिलाए तथा महिलाएं सेक्शन 498A आईपीसी तथा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट एवं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रयोग महिलाएं कैसे करें और अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस कैसे डिमांड करें, पूरा प्रोसेस जानेंगे डिटेल में। मगर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तथा अगर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल मी फॉर ऐप के जरिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जानते हैं कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज प्रताड़ना का शिकार हो जाती हैं तो आप क्या करें। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है जिसमें हर तरह के टॉर्चर जैसे कि फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल सभी तरह के एक्ट आ जाते हैं। धारा 498A आईपीसी कहता है कि जब हस्बैंड या उसके रिलेटिव महिला को डोरी या अन्य वजह से इतना मजबूर कर दे कि वह सुसाइड करने की सोचे, अगर पत्नी किसी भी तरह से शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर ले तो यह कानूनन माना जाएगा कि यह सुसाइड नहीं बल्कि डोरी डेथ है और फिर सेक्शन 498A और 306 आईपीसी एप्लीकेबल होगा। डोमेस्टिक वायलेंस या 498A जैसा महिलाओं के साथ कुछ होने पर सबसे पहले महिला को क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल या फिर थाने में जाकर इस मामले को दर्ज कराना होता है। फिर पुलिस इस मामले में मेडिएशन करा के अपने स्तर पर मामले को खत्म कराने की कोशिश करेगी, परंतु जब मेडिएशन फेल हो जाता है तो पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर देती है तथा इस मामले में महिला को सेक्शन 323 यानी मारपीट, सेक्शन 498A दहेज उत्पीड़न और सेक्शन 406 यानी स्त्री धन का गलत उपयोग, ये सब धाराओं का FIR में जिक्र करना चाहिए जिससे पति और उसके घर वालों की तुरंत गिरफ्तारी होगी। अब अगर जैसे महिला पूरी तरह से पति पर ही डिपेंड थी तो अब वह सेक्शन 125 CRPC के तहत पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। यहाँ मेंटेनेंस पत्नी का हक है और अगर पति कोई बहाने बनाता है जैसे कि उसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ कोर्ट पति की प्रॉपर्टी से पत्नी को हिस्सा देगा। चलिए अब जानते हैं कि आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे आप केस को जल्द से जल्द जीत सके। जब पति या उसका परिवार आपको प्रताड़ित कर रहा हो तब उसकी आप रिकॉर्डिंग कर सकती हैं तथा कुछ और एविडेंस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप के मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग जो कि रिलेटेड हो इस मैटर से उसको संभाल कर रखें तथा अगर आपके साथ कभी पति या उसके रिलेटिव्स ने फिजिकल वायलेंस किया हो तो उसका मेडिकल रिपोर्ट जरूर संभाल कर रखें क्योंकि इन्हीं सबसे आप केस को जीत पाएंगी। जब पति ने आपको नहीं बख्शा तो आप उसे क्यों बख्शेंगी, आपको पति और उसके परिवार वालों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करनी होगी तथा केस के दौरान आप कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस का पिटीशन डालकर केस में जो खर्चा हो रहा है और आपका पर्सनल खर्चा उसकी डिमांड कर सकती हैं। अगर आप सही हैं तो निश्चित तौर पे केस का डिसीजन आपके ही फेवर में आएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि जो महिला जल्दी डाइवोर्स लेने के लिए 498A का केस कर रही है तो जरूरी नहीं कि जल्दी रिजल्ट के चक्कर में इलीगल रास्ता आपके फेवर में ही आए, हो सकता है रिजल्ट आपके सोच के विपरीत आ जाए। इसलिए डाइवोर्स लेने के लिए गलत तरीके का उपयोग ना करें। जल्दी डाइवोर्स लेने के लिए आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स ही प्रेफर करें। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।